तो हम एक बार फिर आ गए हैं इस किचन में ग्लोकल के, और शेफ डिश रेडी है हमारी। हाँ सर, दिखाइए। हाँ 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 हाँ, देखकर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। जी हाँ, खाने के लिए ये कहा जाता है कि जो चीज़ आँखों को भाए वो मन को भी भा सकती है, और ये देखकर बड़ी सुंदर लग रही है। Guys, I'm gonna pack up now. I'll see you guys once I finish changing. Okay? Pack up के बाद रूटीन बस ये जो मैंने बोला, बाहर निकलता हूँ, जेटी जाता हूँ, बोट लेता हूँ, घर पहुँचता हूँ। वहाँ पे हाँ कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि जो वर्सो विलेज जो है वहाँ की जो जो वो जो बाईलेन है वो बहुत छोटी है, तो कभी कभी वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं, तो रिक्शा भी नहीं होती नहीं है। सो वो थोड़ा यू नो बाहर तक आप चल लेते हो तो वो अच्छी वॉक हो जाती है, बढ़िया है। मोस्ट फेवरेट थिंग आफ्टर पैकअप इज़ कि आप घर जाएंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे हों तो इवन बेटर। मतलब शुरुआत और एंड जो दिन का होता है जो एक एक डिपेंड करता है एक्चुअली, जो लोग अपने काम को एक रूटीन समझते हैं, जिनको तकलीफ़ होती है काम करते हुए, वो पैकअप का वेट करते हैं। तो मैं पैकअप का वेट नहीं करता, हो जाता तो मैं खुशी खुशी घर चला जाता हूँ। हमारी जो फील्ड है यू नो थोड़ी टैक्सिंग होती है, वो नॉर्मल 9 to 5 जॉब है नहीं, तो उसलिए वो मद्देनज़र रखते हुए तो अगर दिन में कुछ अगर हाँ बहुत थकावट वाले सीन हो जिसमें आप मेरे लिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग सीन्स जो होते हैं वो मुझे ज़्यादा थकाते हैं, तो वैसा कुछ हो तो हाँ पैकअप के बाद आप चाहते हैं आप घर जाएँ और सो जाएँ। एक बदलाव तो यह है कि इससे पहले मैं नायगो में शूट कर रहा था जिसमें मैं दिन के 100 किलोमीटर कर रहा था गाड़ी में, तो मेरे 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने में जाते थे, तो वो एक वो तो बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई इसमें कि यहाँ मुझे मतलब ड्राइव भी नहीं करना पड़ता। और दूसरा बदलाव ये है कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक शो का हिस्सा हूँ जो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ यू नो कुछ गॉडफादर टाइप बना रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा एक छोटी छोटी कुछ चेंजेस हैं जो टेलीविज़न के रेगुलर शोज़ में होते हैं, उनको हम उनसे थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश ज़रूर करते हैं कभी कभी, तो उसमें मुझे खुशी मिलती है। व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, अच्छा जब मैं नहीं जब शूट कर रहा था फिर तो मैं घर पे होता हूँ, फिर मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है तो मैं घर पे रुकता हूँ, और क्योंकि इफ्ज़ा भी बहुत छोटी है तो मुझे उसके साथ घर पे बहुत मज़ा आता है, और हमारा भी जो है मेरी बड़ी वाली डॉटर जो है जब अगर वो भी घर पे होगी तो फिर तो बहुत मज़ा आता है। अगले दिन जब छुट्टी होती है तो क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ तो वो एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ मैं काम के लिए, अदरवाइज ऑल्सो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो वो तो होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस दिन मेरी अगले दिन छुट्टी होती है, हाँ उस दिन अगर स्कूल भी ना हो अगले दिन तो हम कुछ घर में कुछ कुछ मे बी एक साथ कोई मूवी देख लिया या कुछ कर लिया या ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड एक साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं।
तो फाइनली ये पैकअप का जो लास्ट हिस्सा होता है जब घर पहुंचते हैं, फाइनली पहुंच गया हूं। तो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह फट से आ जाता हूं घर। तो फाइनली अब जाता हूं ऊपर, थोड़ा आराम करता हूं। आपसे सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट एंड हैव फन। ABP News, आपको रखे आगे।